गाइस ये है कुरकुरे चिप्स के पैकेट, उनके अंदर हवा भरी होती है, एक दफा जो है वो सिकुड़ती है जब उसको ठंडा किया जाता है। हमने सोचा कि अगर हम इस तरीके के इन पैकेट्स को डाल दें अगर लिक्विड नाइट्रोजन में तो क्या होगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसे तो आपने देखी होगी काफी बार, अब यार इसमें वजन है पता नहीं। रेडी है, अब बारी है इसमें कुरकुरे और चिप्स डालने की। ये जो पैकेट है सबसे बड़ा है और इसमें जो है बहुत ज्यादा हवा होती है। और ओए गाइस यहां पर ये सिकुड़ रही है, देख रहे हो, सच्चाई आने वाली है। ये देखो ये जो पैकेट है कितना सा है भाई, सारी की सारी इसके अंदर जो हवा थी वो यहाँ पर सिकुड़ गई थी। इसको निकाल करके दिखाता है, देखो ये यार कैसे चिपक गया, देखो 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 देखो। अबे यार आपको इस वीडियो में आया मजा तो लाइक जरूर से ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों क्या होगा जब कोको कोला को कई देर तक उबाला जाए, तो आइए गाइज देखते हैं। ये हमने खूब सारी कोको कोला ले ली है और इससे पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को क्रेज XYZ ने किया है, तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो गाइज हम इसे उबाल लेते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फाइनली गाइज हमारी कोको कोला पूरी उबल चुकी है और इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार हो चुका है। गाइज अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर तक रख देते हैं। गाइज इसकी चीनी तो नहीं बनी लेकिन इसकी मिश्री ज़रूर बन गई। गाइज क्या आप मिश्री जानते हैं क्या होती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।